तो पाई बाय टू वाला हमने कर दिया था ना। हाँ तो चलो एक बार एंड करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बोलिए? इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, माने थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज रेंजेस जो भी हैं। फिर दूसरा टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी इनवर्स। तीसरा टी इनवर्स टी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, यूज ग्राफ। चौथा टी इनवर्स माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। पांचवा टी इनवर्स वन बाई एक्स वाली। छठा पाई बाई टू वाला। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अभी नेक्स्ट वीक से क्लास का आवर्स और छोटा कर दिया है। अच्छा मेरा तो एक घंटे का ही है। हाँ ठीक है, मतलब हाँ कुछ छोटा नहीं है, ठीक है, मतलब सभी का एक घंटे का कर दिया है। बट दो दो लेक्चर हो जाएंगे तो उसमें क्या हो गया, लेक्चर का टाइमिंग इफेक्टिवली दो घंटे का हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या क्या किया? नहीं समझा? अच्छा आप कॉपी कर लो प्रॉपर्टीज। कॉपी कर लिए? ये इम्पोर्टेंट क्लास है यार, मतलब आज वाली। अब ठीक है। So, किस पे आए? कल जो एंड में पढ़ रहे थे हम लोग उसको वापस एक बार करते हैं। क्या किया तुमने बताओ? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय। इसका एक प्रूफ दिखाया था आपको, राइट? हाँ सर। और फिर माइनस एक्स वाले से दोनों साइड का प्रूफ करें। ओके यस। तो ये ट्रू कब था? अगेन ये ट्रू कब होगा? कोई भी चीज ट्रू कब होगी? अपने अपने ये सारे एसक्यूएल थोड़े ना ट्रू होगा। किस एसक्यूएल ट्रू होगा ये पाई बाय टू? अरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये वाला पाई बाय टू कब होगा? एक्स अच्छा, और ये वाला ट्रू कब होगा बताओ तो? -1 बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो नाउ पहले वाले को ना मैं एक और तरीके से प्रूफ कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ध्यान देना। कॉस इनवर्स एक्स को ए माना, क्या प्रॉब्लम हो गया? शिफ्ट क्यों नहीं होता है? बैक
ठीक है, तो इससे क्या आ गया, a का वैल्यू कहां से कहां है, हमने ऑब्वियसली हम x पॉजिटिव पे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, a का वैल्यू कहां से कहां है, 0 से पाई पाई से पाई, b कहां से कहां है, 0 से पाई पाई, तो प्रूफ क्या है, ये प्लस बी इक्वल टू पाई बाय टू, बाय द वे इसका अगर रेंज देखा जाए तो ए प्लस बी का रेंज क्या आ रहा है, 0 से पाई, ए प्लस बी का रेंज क्या आ रहा है बोलो, 0 से पाई, तो एनीवेज पहले यहां से आ जाते हैं, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स, साइन बी का वैल्यू क्या होगा, मुझे बताओ साइन ए का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स, अरे ये नहीं आता क्या आप लोग जो बोल रही हूँ, अंडर रूट वन माइनस एक्स, दोनों होगा, दोनों हो सकता है ना, कौन सा नहीं होगा ये बताओ, नेगेटिव वाला नहीं होगा, जो पॉजिटिव वाला, क्यों नहीं होगा, नेगेटिव वाला बताओ, फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट कॉस बी इज इक्वल्स टू, दो वैल्यू पॉसिबल है मालूम होता है ना, तो किया था अपने 11th में भाई, कौन सा नॉट पॉसिबल, negative, ठीक है, now my concept is very simple, if I prove sin a plus b 1, my work is done, tell me why, या मैंने cos a plus b को 0 प्रूव कर दिया, again I am happy, बताओ क्यों, टू प्रूफ में अगर साइन लगा कॉस लगा, हाँ बोलो मैं क्यों हैप्पी हो जाऊंगा बताओ, सर ए प्लस बी का रेंज 0 से पाई और इसमें ए प्लस बी का एक ही वैल्यू, बहुत अच्छा मोनोटोनिसिटी यूज कर ली मैंने, राइट, तो चलो कॉस ए प्लस कॉस बी निकालते हैं, क्या होता है कॉस ए कॉस बी, बोलो भाई, माइनस साइन ए साइन बी, अरे बोलो, तो कॉस ए कॉस ए कितना है, एक्स, कॉस बी कितना है, साइन ए कितना है, साइन बी कितना है, एक्स, हो गया ना 0, अरे चमका, हाँ सर, अरे ये क्लियर है क्या, यस सर, Yes, sir. आप साइन ए प्लस भी अपने कॉपी में निकाल कर देख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं लिखने का, कॉपी करिए,
अरे आवाज आ रही है, नेटवर्क चला गया है। आ रही है। कर लिए? यस सर। एक मिनट, साइन ए प्लस बी से आया क्या? हाँ सर आया। सर आपने मोनोटोनोसिटी यूज करके बताया, ऐसे कहा था ना, तो वो मतलब हाँ कि जीरो से, अरे मतलब मोनोटोनोसिटी जैसे फंक्शन वन वन है ना जीरो से पाई में। हाँ सर वही वन वन लेस यूज होता है। हाँ मतलब भाई, मतलब वो वैल्यू एक ही बार अचीव हो रही है, ये सेंस था मेरा बोलने का। हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस करते हैं पहले, तो आपको समझ में आएगा। टेन इनवर्स फोर को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है? यस yes। कैसे करोगे? tan inverse 4 is equal to theta। लैग हो रहा है वो। क्या हुआ? क्या लिख रहा है? दिख नहीं रहा उसके। लैग हो रहा है। बोला नेटवर्क गया है क्या? दिख रहा है सर। क्या हुआ? मेरा नेटवर्क खराब है, तुम्हारा नेटवर्क खराब, पता नहीं चल रहा है। दिख रहा है? हां सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। हां टेन थीटा इक्वल टू फोर हो गया, और थीटा कहाँ से कहाँ है बताओ? जीरो से पाई बाय। ये बात समझ में आती है?
हाँ सर, अगर टेन थीटा फोर है तो साइन थीटा कितना होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ट्रायंगल तो हमेशा बन सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? यस सर। तो बताओ साइन थीटा कितना होगा? बोलो भाई। दोनों साइड साइन इनवर्स ली, सेम ही एंगल को बार बार रिपीट करना है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना आएगा बोलो? ये तो प्रिंसिपल में ही है ना। हाँ सर। तो क्या लिख देंगे थीटा ही? अरे ये बात समझ में आई क्या? यस सर। इसी में कॉस थीटा बताओ। आप कॉस 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 इनवर्स खेल दोगे। वापस से आप क्या बोलोगे सर? थीटा कहाँ पे है? कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होगा? ये बात समझ में आई? आप सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट करो ना अलग अलग तरीके से। वही एंगल क्या है? कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 17। वही एंगल क्या है बोलो? साइन इनवर्स 4 बाय रूट 17। ये बात समझ में आती है? यस। कॉपी करो इसको। बोलो कर दिए? एक मिनट सर। So, बोलो सर। वो थीटा जीरो से पाई बाय टू में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा कि राउंड ब्रैकेट? अरे इतना तो कॉमन सेंस है ना, ठीक है। तुम चाहो तो स्क्वायर, मतलब अपने को मालूम है ना कि जीरो पे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अपने को मालूम है ना कि भाई एंगल तो पॉजिटिव आ गया ना, तो जीरो पे थोड़ी ना रहेगा। तो कॉमन सेंस है ना अपने को। हाँ। अपन तो ये भी कह सकते हैं ना, जो थीटा, अगर थीटा को और छोटा करना चाहूं मैं इस वैल्यू से, मैं और भी छोटा कर सकता हूँ ना, थीटा कहाँ फंसा सकता हूँ बताओ? आपको देख के क्या लग रहा है? फोर है ना, ऑब्वियसली इसका मतलब पाई बाई थ्री से तो बड़ा होगा ना एंगल। आप चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो चमका। यस सर। यू हैव टू थिंक लॉजिकली ना। हाँ सर। अच्छा, 10 75 डिग्री कितना होता है बताओ? 2+√3 होता है ना। Yes. अरे यार कोई कुछ, 75 डिग्री कितना होता है? 5π/12। हाँ, तो मैं और भी थीटा को छोटा कर सकता हूँ ना। थीटा कहाँ से कहाँ आ गया बताओ?
फाइव पाई बाई ट्वेल्व से पाई बाई टू चमक रहा है। हाँ सर चमका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लिखी है। अभी मैं थीटा के रेंज को छोटा कर सकता हूँ ना, सबसेट ही तो है जीरो से पाई बाई टू का। क्लियर है? यस सर। तो प्रॉब्लम तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम कब आएगी? नेगेटिव में क्या होगा? राइट, और नेगेटिव देखते चलो। अब नेगेटिव में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रायंगल नहीं बना पाओगे ना, बना पाओगे? इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स। कैसे करोगे? पहले थीटा मान के माइनस टेन इनवर्स टू। हाँ दैट इज परफेक्ट राइट। ठीक है, वैसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, बट टेन इनवर्स माइनस टू चोर थीटा मान लेता हूं मैं अगर। ठीक है, ये एक तरीका, पहले ऐसे कर लेते हैं बेसिक, इससे देखते क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। थीटा कहां से कहां लाई करेगा? तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टू। तो अपने को तो ये फिक्स हो गया ना टेन थीटा, ये फिक्स हो गया ना। साइन थीटा की तो बताओ, साइन थीटा कितना होगा? ट्रायंगल बना पाओगे नहीं बना पाओगे? ट्रायंगल बनाएंगे ना टू वाला। ट्रायंगल्स अपने को भाई, ट्रायंगल तो अपन साइन, आपको याद है ना इलेवेंथ बताया था मैंने कि ट्रायंगल से हमेशा हम एंगल निकाल सकते हैं ना। yes. अरे मैं यहाँ अल्फा मान के टू मान के वन मान के कुछ गलत थोड़ा ना हो जाएगा, ये बात चमक रही है। yes, sir. अरे यार क्या हो गया? yes, sir. लग नहीं रहा आप लोगों को समझ में आया है। समझा सर, समझा सर। अच्छा साइन थीटा को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो समहाउ? साइन थीटा को अगर मैं ये लिख दूं तो गलत है सही है तो दिक्कत आएगी। अरे यार, अरे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लिखा है मैंने, ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है। वन प्लस चार स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है रूट सेक स्क्वायर, सही तो लिखा है बॉस। आई एम नॉट हैविंग अ फील फॉर यू, क्या चल रहा है तुम लोग का? ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो? माइनस टू का माइनस टू बाई रूट फाइव। कोई दिक्कत है क्या? No, मैं वैल्यू ट्रायंगल से रीड किया, मैं वैल्यू ट्रायंगल से रीड किया और ये माइनस साइन किससे दिया मैं? थीटा माइनस। अरे कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना यार। हाँ सर, तो पढ़ रखा है ना इलेवेंथ में, क्वाड्रेंट फोर्थ है ना, तो साइन क्या होगा वहां पर? नेगेटिव होगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। अरे यार हद हो गई, ये बात चमकती नहीं आपको? वैसे मेरे पास एक और गलत तरीका भी है जिसमें सोचना नहीं पड़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। हाँ सर। मैं बहुत ज्यादा गलत करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, मैं ऐसे लिख दूंगा, मतलब इस लेंथ को माइनस टू मान लिया, मतलब ऑब्वियसली एब्सर्ड है बट गलत थोड़ी ना कुछ। yes. अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता तो मैं क्या मानता? माइनस यहाँ पे टू मानता और यहाँ पे माइनस वन मानता। ये बात चमकती है? yes. सही थोड़ी ना, बट गलत है, बट आंसर दे देगा हमेशा। एनीवेज क्या करना है, आप ट्रायंगल से साइन कॉस निकालो। सही तो लिखा है मैंने, बोलो गलत लिखा? सही लिखा हमने। अब क्या होगा बताओ? बोलो भाई साहब, ये सही है गलत है? ये प्रिंसिपल में है कि नॉन प्रिंसिपल में है?
प्रिंसिपल प्रिंसिपल में है क्या होगा थीटा 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 हो गया ना क्या वैल्यू आएगी क्या करना है हो गया ना प्रूव हमने कन्वर्ट कर दिया ना उसको हो गया समझ नहीं रहे हो तुम लोग अच्छे से ना समझ रहे हो तो कॉस में आते हैं कॉस में आओ हाँ बोलो कॉस वन बाय रूट फाइव अब क्या पाप हो गया थीटा कहाँ पे मतलब जीरो से पाई का लाइन यहाँ था और जीरो से माइनस पाई यहाँ था ना हमारा थीटा कहाँ फंस गया है बताओ यहाँ पे ना थीटा हमारा वहाँ वहाँ वैल्यू क्या होता है माइनस थीटा ना माइनस थीटा तुम्हें कुछ भी चमक रहा है क्या क्या प्रूव कर दिया हमने दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस वन बाय रूट चमका हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत टफ चीज नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेई के लिए एडवांस के लिए ठीक है मेंस के लिए नहीं उतना है एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी है ऐसा नहीं है कि नहीं है आजकल पेपर लेवल ज्यादा अंतर रह नहीं गया फिलहाल ठीक है जी व्हाट्सएप में दिक्कत क्या व्हाट्सएप कौन सा फैक्टोरियल सर बोलो सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं क्या चीज सर यही पूरा कहां से बताऊं बोल तो बताओ कहां से बताऊं सर थर्ड स्टेप से बता दीजिए मतलब ये पहला क्लियर है हाँ सर यहाँ तक क्लियर है सर वो ट्रायंगल से हमने कैसे लिखा वो वाला नहीं ट्रायंगल से तो तुमको ट्रायंगल से लिखना नहीं आता है भाई अगर टैन थीटा अगर माइनस टू है तो हम टैन ऐसा ही ट्रायंगल तो बनेगा ट्रायंगल तो हम ये वाला हाँ सर अरे वो तो गलत चीज है वो तो बस ऐसा बोल दिया मैंने क्योंकि थीटा जो था फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो फोर्थ में जो होता है साइन नेगेटिव होता है इसलिए परपेंडिकुलर को नेगेटिव पकड़ा दो अगर सेकंड में होता तो हम बोलते कि बेस नेगेटिव कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस नीचे दे दो उसको मत यूज करो तुम इसको यूज करो ना कि तुम ट्राइंगल से मैग्नीट्यूड निकाल लो एंगल का और प्लस माइनस क्वाड्रेंट से आई नेवर यूज दिस यार आई ऑलवेज यूज दिस ये क्लियर है Yes, sir. अरे इतना क्लियर है क्या बोलो तो फिर यहाँ से इसके बाद क्लियर है ये सब ना साइन थीटा को तो माइनस टू बाय रूट फाइव लिया दोनों साइड साइन इनवर्स कर दिया अभी थीटा तुम्हारा प्रिंसिपल रेंज में है ना हाँ सर समझ गया ठीक है और कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया कल का होमवर्क लोग अच्छे से करके नहीं आ रहे हैं 99 इज इक्वल टू 31.5 पाई बना होगा तुम लोगों का और तुम लोग 22 में ज्यादा आते हैं दो सॉल्यूशन आते हैं तुमको क्या हुआ दोनों लाइन में गिरता है ये दोनों लाइन में नहीं गिर सकता है दोनों लाइन में पाई हमने बड़ा लाइन नहीं गिरता है हां क्योंकि हमको करना एक्चुअली ये था हम लोग को करना ये होता है ना और हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं किस चीज से पाई को अप्रोक्सीमेट करते हैं किस से 22/7 से लेकिन जो ही है एग्जैक्ट ठीक है मैं नेक्स्ट पे जो ही एग्जैक्टली काट देगा तो प्रॉब्लम हो गई ना यार
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग को एन का वैल्यू जो आया, हमारा जो एन का वैल्यू आया होगा कल तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 31.5 आया है, लेकिन फिर हम लोग को देखना पड़ेगा ना हमको एक्चुअली डिवाइड किससे करना था, पाई से। तो पाई तो छोटा है 22/7 से, इसका मतलब जो एन का वैल्यू है वो 31.5 से बड़ा है, इसलिए वो आगे वाले लाइन में लाइक कर। लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, डोंट नो मतलब कैसे सरवाइव करने वाले हो तुम लोग, अच्छे से नहीं कर रहे हो आप लोग होमवर्क। पर वो आंसर बुरा था। हाँ आंसर सही है आप लोग का, आंसर सही है, आंसर में दिक्कत नहीं है, बट वो आंसर इतना आसान नहीं था लाना। जिसने भी अच्छे से किया होगा उसको 31.5 पाई फंसा होगा, उसमें किसी क्लास में सबका ही सही आंसर आया, मतलब या तो सब लोग बहुत तेज हो गए या सब लोगों ने ये बात सोचा ही नहीं, ऐसा हो रहा है क्या करें, एग्जैक्ट बन गया। तो एनीवेज कॉपी कर लिए क्या, कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक मिनट। कौन घुमा रहा है भाई? हो गया सर कॉपी कर। कॉपी हो गया? हो गया सर। यस सर, आप एक मिनट पिछला पेज दिखा सकते हैं? हो गया सर। जो एन का वैल्यू होगा वो हमेशा अप्रोक्सीमेट आ रहा है, क्योंकि आप लोग 22/7 से सॉल्व करो, लेकिन जब भी वो पाई, लेकिन जब भी वो एग्जैक्ट कटने लगेगा पाई 22/7 से तो प्रॉब्लम है ना यार। आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई क्या चल रहा है। हाँ। यहाँ पे आइए, ये बताओ कैसे करेंगे, बोलो। थीटा कॉस इनवर्स माइनस 3/4 को क्या पकड़ ले? थीटा। कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ठीक है, मैं चाहूँ तो और सबसेट बना सकता हूँ इसका ना, इसका हमको तो कॉस का ग्राफ का आइडिया है ना। तो क्या आ गया cos theta equal to that implies, बोलो क्या हो जाएगा? cos theta दे दिया ना बेटा, ठीक है। तो आपको मालूम है ना quadrant कौन सा है? second quadrant है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होगा बोलो? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा अच्छा कर देते ना कि फालतू में मतलब कैलकुलेशन भी हो जाए और सब कुछ हो जाए और सही। बोलो -3/5। हाँ बोलो कितना हो जाएगा? बोलो 4/5। प्लस की माइनस? प्लस। क्यों? सेकेंड क्वार्टर में।
अब हम लोग को इनवर्स में चेंज करना है जी। यस सर। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स फोर साइन इनवर्स फोर बाय फाइव क्या होगा बोलो? थीटा कहाँ पे है? सेकंड पार्ट ग्राफ में। थीटा यहाँ पर है ना भाई? हाँ सर। क्वेश्चन है लाइन की पाई माइनस एक्स क्या आएगा? पाई माइनस थीटा साइन इनवर्स फोर बाय फोर। आपको थीटा कितना आ गया बताओ? पाई माइनस साइन इनवर्स फोर बाय फाइव। थीटा क्या था आपका? कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाय, है ना? और देखो ना, ऑब्वियस ही बात है ना, कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाय फाइव कहाँ पर देगा अपना आंसर? पाई बाय टू से पाई में देगा ना। साइन इनवर्स फोर बाय फाइव कहाँ से कहाँ देगा? जीरो से नाइनटी में, राइट? हाँ। तो पाई में से जीरो से नाइनटी माइनस करोगे तो कहाँ रहोगे? नाइनटी से वन एट्टी में रहोगे ना। हाँ सर। अरे 180 में से 180 में से एक्यूट एंगल माइनस करो तो ऑब्टूज एंगल में रहोगे ना। यस सर। यस सर। चलो मुझे बताओ टैन थीटा कितना आ रहा है? माइनस फोर बाय थ्री। फोर बाय थ्री। टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स माइनस फोर बाय थ्री। हाँ बताओ भाई क्या करूं मैं, कहाँ पे हूँ मैं? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ तो टैन इनवर्स ग्राफ बनाओगे ना? यस सर। हम लोग किस लाइन पे हैं? दूसरे लाइन। इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस पर x माइनस पर क्या होगा? थीटा माइनस पर इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस फोर बाय थ्री। तो क्या आएगा? सोचो डोमेन से तो बैलेंस हो गया, नहीं हुआ बैलेंस? देखो तो टैन इनवर्स माइनस फोर बाई थ्री कहाँ देगा आंसर? टैन इनवर्स माइनस फोर बाई थ्री कहाँ देगा आंसर? माइनस नाइनटी से जीरो में ना। माइनस नाइनटी से जीरो में ना। आप क्या कर रहे हो? 180 से एक्यूरेट माइनस 180 में ऐड कर दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? माइनस नाइनटी से जीरो में अगर 180 ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? आ जाओगे ना सेकंड सेकंड 97। अरे चमक रहा है क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। यस सर। कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक मिनट। कुछ क्वेश्चन दूं क्या आप लोग? कुछ समझ, कुछ भी समझ में आ रहा है इनवर्स में क्या चल रहा है? बस ऐसे ही लग रहा है कि क्या करवा कह रहे हो सर, क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ है? इस वीक में इनवर्स और मैंने कुछ प्लान में चेंजेस किए हैं। अभी हम ना एक्सरसाइज वन और टू साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, फ्यूचर में कुछ पता नहीं रहता है भाई, तो साथ साथ डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू विल डिस्कस साथ साथ, ठीक है?
तो उससे क्या होगा, बाद में लोड नहीं रहता है और ये ना मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है। वैसे मेरा मानना हमेशा है कि एक्सरसाइज टू हमेशा बाद में करना चाहिए, सब कुछ करने के बाद। बस फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज टू मैं कर दूंगा अभी साथ में, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर अपना यूं तो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या? आपने वीडियो लेक्चर नहीं तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, वो तो ठीक है, मतलब बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया नहीं था सर, स्टेट बोर्ड का होमवर्क किया था बस। ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, पढ़ा लेंगे उसको। हो गया सर, कॉपी करते हैं। कॉपी हो गया? हाँ। यस। ठीक है, कुछ दूं करने को करोगे? हाँ। तो वो दिखाते रुक जाओ। साइन इन, आपको ये फील आ रहा है कि एक ही एंगल्स को हम लोग बराबर कर सकते हैं ना, तो आप मुझे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज द बटर, ब्रेड एंड बटर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, कैसे करोगे बताओ? और हमने एक चीज सेट कर रखी है, हम लोग हमेशा कोई भी फॉर्मूला कब प्रूव करते हैं? पॉजिटिव। ओके, ये हमने सीखा है। और यहाँ पे ये वन कर रहा हूँ मैं, ये कौन बताया मुझे? कैसे आया? डोमेन। और ये हमें मालूम है, हम ऐसे ही करने वाले हैं, सब कुछ पॉजिटिव में करेंगे हमेशा, ठीक है? और पॉजिटिव में करके क्या करेंगे फिर? x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे। ये सब चमक रही चाहिए फास्ट फास्ट। हां यस सर। एक और गलती है यहाँ पे, लिखना चाहिए मुझे क्या? 0 से 5/2। ये ब्रेड है अगर, तो ये बटर है, अब क्या होगा बताओ? भाई कॉस इनवर्स में करना है, तो मुझे सिस्टम को कॉस में करना पड़ेगा। कॉस थीटा कितना होगा? बोलो, रूट ले लिया, अब बताओ यहाँ प्लस की माइनस? प्लस वाई माइनस नॉट, वाई माइनस नॉट मतलब इंग्लिश की बैंड बजा दी, वाई नॉट माइनस। बोलो क्या होगा? बोलो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ ये बात चमकती है। यस, नाउ व्हाट हैपेंस? थीटा ही हो जाएगा, थीटा प्रिंसिपल लोग। क्यों भैया? प्रिंसिपल रेंज में सर, प्रिंसिपल। तो मैं इधर को लिख रहा हूँ फाइनल आंसर आपका। आपने क्या पढ़ लिया? साइन इनवर्स एक्स कहाँ से है? कॉस इनवर्स वन माइनस रूट ऑफ एक्स। एक्स जीरो से वन। दो बच्चियां आई थी बीच में, संभावी और अनुष्का, एक मैंने काफी जोश था, उसके बाद सब शांत हो गया। संभवी क्लास में है तू? यस सर हूँ। हाँ है, जवाब ही देखो, तू गायब है क्लास से। और अनुष्का तू क्लास में है? यस सर। क्या हो गया, वापस समझ में चीजें नहीं आ रही, डाउट आ रहा है, क्या हो रहा है बोलो? नहीं सर, आईटीएफ मैंने पढ़ा है तो मुझे उसमें ज्यादा डाउट्स नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है, पढ़ा है, डाउट तो होना चाहिए था इसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं करता। चलो ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन दूंगा मैं समझ में। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। अभी फॉर एक्स, फॉर एक्स नेगेटिव, अरे एक्स को माइनस एक्स, कंटिन्यूस आवाज आ रही है प्लीज। हाँ क्या करें बोलो? एक्स को माइनस एक्स और थीटा माइनस पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अरे चमका तुमको नहीं चमका? चमका चमका सर।
ये जो फॉर्मूला होगा तो ट्रू होगा ना हमेशा? यस सर। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स कैसा है? पॉजिटिव है ना। अब टी इनवर्स वाला लगा दो प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना बेटा, माइनस। समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझा? थोड़ा सा एग्रेसिवनेस खत्म हो गया है क्लास का, मतलब पता नहीं, या तो मैं मतलब बिल्कुल ही मतलब आइंस्टीन हो गया हूँ पढ़ाने में, या तुम लोग मतलब बिल्कुल आइंस्टीन हो गए समझने में। सर वो साइन इनवर्स के अंदर प्लस एक्स। हाँ, या तो हम दोनों श्रोडिंगर हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं रियलिटी में कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। साइंस की बैंड बज गई। अबे श्रोडिंगर मालूम है ना क्या किया था श्रोडिंगर ने? क्या किया था बताओ? कैट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। कैट एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था भाई मेरे, एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना हुआ था वो, तो एग्जाम वो तो आइंस्टीन ने बोला था उसका मतलब मजाक बनाते हुए, भाई तू क्या चाहता है कहना, एक बक्से में बिल्ली है और मर भी गई जिंदा भी, क्या ही बोल रहा तू, पागल हो गया। ठीक है, बट श्रोडिंगर ने कहा क्या था? श्रोडिंगर ने क्या प्रूफ किया था बताओ? किसी पार्टिकल को देखा नहीं है तो अरे एक बहुत फेमस थ्योरम है उसके नाम, मतलब आप लोग कैसे याद नहीं आ रहे, मुझे आश्चर्य लग रहा है। उस था ना ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यही तो होता है, यही तो है श्रोडिंगर का, है ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? श्रोडिंगर ने कहा था ना कि एक पार्टिकल का मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल ना, कि एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल भी और वेव भी है। डी ब्रॉगली ने बोला सर, डी ब्रॉगली का क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ श्रोडिंगर का वो था ना शायद, हाँ तुमने सही, श्रोडिंगर वो था ना कि अपन मोमेंटम और पोजीशन दिया था। हाँ, मोमेंटम और पोजीशन नहीं कर सकते कभी मेरे साथ, क्यों, क्या दिक्कत हो जाती है करने जाते हैं तो? सर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, वो हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, श्रोडिंगर ने क्या किया था फिर? बस एक इक्वेशन दिया था। अच्छा अच्छा, वेव इक्वेशन क्या दिया था उसने? बस वेव इक्वेशन, उसने कुछ बताया नहीं था। चार क्वांटम नंबर्स मिलेंगे तो हमें, हम बता सकते हैं उस सिस्टम के बारे में। एसआई इज इक्वल टू ईसआई बोला था ना। अच्छा, ये किसने बोला था? डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये हाइजेनबर्ग ने बोला। हाइजेनबर्ग ने बोला, हाइजेनबर्ग सर। अच्छा, चलो ठीक है, कॉपी करो। कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया सर, लिख रहे हैं।
अरे भाई आज ही लिखना है. हो गया सर. अब देखो बात ऐसी है, इनवर्स में तुम जितने क्वेश्चन कहोगे मैं सॉल्व करते रहूंगा, बट हेल्प वही होगी तुम जितने क्वेश्चन खुद से कर सकते हो. ठीक है, तो मैं कुछ शो कर रहा हूँ. ऑब्वियसली जब तक टाइम है आज तो मैं जितना टाइम होगा मैं करते रहूंगा, बट माई सजेशन टू यू इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस टॉपिक खुद से ही करना पड़ेगा. ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को जरा साइन इनवर्स में करो तो ठीक है. और जो ट्रिक वाला तरीका था मेरा उससे आंसर लिखने का ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे हम लोग सही कर पाते हैं गलत. तुम्हें क्या लगता है क्या होगा बताओ. बोलो ये होगा कि नहीं होगा, x belongs to 0 से 1 में. बोलो भाई हाँ या ना यार. हाँ सर. और जब x नेगेटिव होगा तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना पड़ेगा. x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x कैसे हो रिलेट करेंगे बताओ. नहीं समझ लो. हेलो, साइन इनवर्स x का आंसर कहां पे आएगा x नेगेटिव होगा तो. क्या हो गया, नेट हो गया क्या. हेलो हेलो हेलो. यस सर. यस. अरे अगर इफ इफ x इज बिटवीन माइनस वन से जीरो तो साइन इनवर्स x अपना आंसर कहां देगा. -5/2. और cos इनवर्स x कहां देगा. 5/2 से. तो क्या होना चाहिए यहां बताओ. पाई से ऐड करेंगे. पाई से मेरे को लगता है ऐड करना चाहिए. ये मुझे तुक्के में तुक्का कह रहा है ये सही है. लेट्स नाउ सॉल्व इट. आप सॉल्व करिए. अरे सॉरी. ओह आई एम सो सॉरी. I'm so sorry. तुम लोग ये गलती कैसे चुप थे. तुम लोग ऐवे ही चुप थे. अरे यार क्या हो चुका है. हेलो. हाँ सर. तुम लोग इस गलती की वजह से चुप थे कि ऐसे ही चुप थे कि हमको नहीं मालूम क्या कर रहे हो आप भाड़ में. ठीक है चलो सॉल्व करो. हाँ मैंने यहाँ भी किया ना गलती. चलो सॉल्व करिए. निकालिए जरा. सर पाई माइनस साइन. पाई माइनस हो गए यार. पाई माइनस हो गए ना. अरे बात चमक रही है क्या. यस. हाँ करो. विदुषी चमक रहा है. कंफ्यूज हो रही है बहुत ज्यादा. नहीं समझ आ रहा ये पार्ट. समझ में नहीं आ रहा ये वाला तुक्का वाला जो कल से कह रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा. नहीं वो मुझे समझ आएगा. मतलब अप्रोच करना कुछ नहीं आ रहा. ठीक है किस वाले हैं बताओ. इस वाले में मतलब सारे जो भी आपने सम्स बताए ना सॉल्व करके स्टार्टिंग में वो मुझे समझ आया जैसे जैसे आपने सॉल्व किया. लेकिन फिर मैंने खुद से सोचने का ट्राई किया तो मुझसे नहीं. ठीक है अभी इसमें तुम्हें क्या लगता है कैसे अप्रोच करोगे. पहले वाले जैसे सम में हमने ट्राई. हाँ cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा. हम सॉल्व किस में करते हैं. पॉजिटिव. कहाँ से कहाँ है. जीरो से पाई बाय टू. एक्स क्या होगा. कॉस थीटा. साइन थीटा क्या होगा. रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस 16 की माइनस 16. प्लस. यहाँ तक समझ में आया. हाँ.
साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा? वहां पे भी साइन इनवर्स है ना, रूट वन माइनस एक्स। तुम ये समझो ना कि एंगल के इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? अभी थीटा कहाँ से कहाँ है? प्रिंसिपल में है। तो थीटा क्या आ गया? साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा है क्या? कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया प्रूफ। अगर एक्स नेगेटिव लेंगे तो हम लोग क्या करना सीखे हैं हम लोग? माइनस एक्स से रिप्लेस करो। मैं तुमको ना फिजिकल फील दे दूं, समझ में आएगा, ठीक है? अभी हम लोग पिछले पेज पे हम लोग कर तो रहे थे, चिता दे कॉस इनवर्स मान लो माइनस थ्री बाई फाइव लिखी थी, ध्यान आ रहा है? तो ये कहाँ पे होगा, वैल्यू कहाँ पे आएगी? ये जो वैल्यू होगी जब मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे आएगी, सब लोग शांत हो जाते हैं। कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाई फाइव कहाँ पे आएगा? पाई बाय टू से पाई में कि जीरो से पाई बाय टू में? पाई बाय टू से पाई। ये बात समझ में नहीं आ रही, कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाय फाइव पाई बाय टू से पाई में आएगा विदुषी? समझ आ रही है ये बात। तो ये चीज पाई बाय टू से पाई में है ना। अब जो ये एंगल है तुम्हारा, मैं कह रहा हूं कि साइन इनवर्स में कैसे लिख सकते हो इस एंगल को, बस इतना ही क्वेश्चन है मेरा। इसी एंगल को साइन इनवर्स में लिखना है। नॉर्मली साइन इनवर्स तो माइनस 90 से 90 में खत्म हो गया ना, देखिए अपना वैल्यू। लेकिन ये एंगल तो 90 से बड़ा है। तो इसी एंगल तो रुको, एक 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 नोन एंगल ले लेते हैं, रुको ना, एक नोन एंगल लेते हैं। नोन एंगल बताओ कुछ तो, माइनस वन बाई टू, ठीक है? कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू कितना होता है बोलो? टू पाई बाई थ्री। अब साइन इनवर्स में कैसे लिखेंगे इसको? देखो पाई माइनस, तुमने अगर साइन इनवर्स किया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना है? रूट थ्री बाई टू आया ना। साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू कितना है तुम्हारा? ये मैं चाह रहा था करना। देखो इनवर्स में ना एक पॉइंट होता है जहां पे डाउट होता है, वो पॉइंट सबका अलग अलग होता है, उस पॉइंट को अपने को निकालना पड़ता है डाउट पूछ पूछ के। तो जो पॉइंट है ना जहां पे फंस रहा है चीज, जहां माइंड कंफ्यूज हो रहा है, पहला पॉइंट कंफ्यूजन ये होती है, हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते कॉस इनवर्स नेगेटिव में है तो पाई बाय टू से पाई। ये मैं लास्ट दो दिन से लगातार बोल रहा हूं, तब दिमाग में बात बैठ गई होगी। दूसरा पॉइंट ये होता है, ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हो आप? दूसरा पॉइंट ये होता है, आप ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? करना है, क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ को साइन इनवर्स में लिख के दिखाओ। ये बात चमकती है? Yes. बोलो बेटा विदुषी, क्लियर है? हाँ सर, ये सम तो मतलब आप जो सॉल्व करते हैं उसमें मुझे डाउट नहीं है। मैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, ठीक है? अरे इतना सबको क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए जरा। यस। जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना कर क्यों रहे हैं लास्ट वाला, मतलब वो करना है, इट्स नॉट कि हमें सपना आया, हमें करना है। कॉस इनवर्स माइनस हाफ टू पाई बाई थ्री है, मैं साइन इनवर्स का कुछ भी खेलूंगा मैं हमेशा कहां फंस जाऊंगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। लेकिन मेरे को जाना किधर है? टू पाई बाई थ्री। कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे को। देता हूं और क्वेश्चन दे रहा हूं, समझो, समझ में आएगा।
कॉपी हो गया? एक मिनट. तुम बालकनी में सो गए क्या? हो गया. सही है, तुम कह रहे हो मुझे नहीं लगता. बॉडीगार्ड उसका सीट से जुड़ा है, सीट ऊपर नीचे की है ना, उतर जाता है. तो गलत है ना, बॉडीगार्ड है वैसा. कैसे करोगे बताओ? पहले पहला ये होगा, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर यहाँ पे कुछ और आ गए ना चीजें, क्या हो गई और क्या हो गया? नेटवर्क गया मेरा. हेलो. हाँ सर. हेलो सर, आवाज आ रही है? क्या फ्रीज हो गया? ठीक हो गया? ठीक हो गया अभी सर, हो गया था. तो हाँ, ये चीज, ये तीन चीज लिखना बहुत जरूरी है. चलो बताओ क्या करोगे सर? हमारा ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा. क्यों करेगा? एक्यूट में इसलिए करेगा है ना. इधर क्या है? एक्स. इधर क्या है? वन. इधर क्या है? समझो ना, मैं सेम थीटा को इक्वल कर रहा हूं ना, मैं सेम थीटा निकाल रहा हूं उससे भी और उससे भी है ना. क्या होगा बोलो? अरे कॉट इनवर्स के लिखने के लिए कॉट थीटा लिखोगे ना मेरे भाई? कॉट थीटा क्या होता है? दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर मत डालो, इट शुड बी वेरी स्मूथ. हाँ, ये तो छुपोगा, ये ऑब्वियस होना चाहिए. अब क्या करें? अब बताओ क्या होगा? थीटा प्रिंसिपल. थीटा प्रिंस. अच्छा, आप लोगों ने तीन ग्राफ तो बनाए नहीं है, बना लेना भाई. अगर नहीं बनाया हो तो शीट में दिया होगा, बना लेना, वैसे अंतर नहीं पड़ता. ठीक है, सिंपल ही है, सेम ही आता है. ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा प्रिंसिपल में है ना? बेटा ही लाइक करेगा. आप ये समझो ना कि मैं दोनों साइड से बराबर क्या कर रहा हूँ बेटा, मेरा एम क्या है, समझ में आ रहा है? ये भी थीटा और ये भी थीटा. चमका क्या हो गया बोलो? cot inverse root 1 minus x square by x. अब क्या करेंगे हम? negative वाला. negative. हाँ भाई बोलो, negative में क्या करें? minus x less than 0. minus x.
ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लेंगे अपन। ये समझ में आता है कैसे लिख पाता हूं मैं? यस सर। कैसे? एक्स को माइनस एक्स नेगेटिव है, माइनस एक्स पॉजिटिव है ना बॉस, इसलिए है ना। यस सर। तो क्या आ गया बोलो? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बोलो भाई कॉट इनवर्स क्या होता है? पाई माइनस ना। हां सर, माइनस कॉट इनवर्स। कचड़ा कचड़ा हो गया पूरा ही। ओहो हो, तो क्या आ गया बताओ यार? साइन इनवर्स एक्स को बोलो क्या आया? कॉट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस। बाबू जब एक्स कहाँ से कहाँ है? एक्स जीरो से। ठीक है, और जो ही कॉट थीटा ऐसे लिखे हो तुमने मान लिया है पहले ही एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस प्लस कॉट आप ना हमेशा पॉजिटिव वाले में निकाल के, और चाहो अगर फास्ट करने के लिए तो मेरे वाले ट्रिक से क्या कर सकते हो, हमेशा लिख सकते हो ना कि पाई जोड़ना है कि पाई सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि दोनों का डोमेन सेम कर दो। ये बात चमकती है? यस। समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चन करने का कोई कमी नहीं है इनवर्स में, 100 को 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन करके अभी 40 खुद से कर लोगे तो ही तुम्हें फायदा करेगा। ये बात चमकती है? इस पूरे वीक में इसकी शीट ही डिस्कस होगी, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सब डिस्कस होगा इसका। यस सर। तुम लोगों के पास फंक्शन ही कौन सी सीट है मेरे को पता नहीं, मतलब वो देखना पड़ेगा। मेरे पास जो सीट है वो पुरानी सीट तो नहीं है, 2 साल पुरानी सीट है, बट वो हार्ड कॉपी है मेरे पास। उससे क्या है ना कि मतलब आंखें सही रहती हैं, ऐसे तो मर ही जाऊंगा मैं कंप्यूटर पे देख देख कर। ठीक है ना, देखते हैं ना क्या है। ऐसे हर इनवर्स वाले को एक दूसरे में चेंज करके देखो। हाँ, सारे एंगल्स है ना, सब कुछ कर सकते हैं। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी कर ली है? एक मिनट सर। उफ, उफ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ, यस सर। सर एक तुम्हें दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, ठीक है, तुम्हें और फील आएगी। कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, कॉस इनवर्स 4x³ - 3x इज इक्वल्स टू, को कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स के सिस्टम में। इनका आपस में रिलेशन निकालना है। ये 4x³ - 3x देख के कुछ फील आता है क्या? कॉस 3x कॉस 3x कुछ फील आती है ना, कॉस थीटा टाइप से?
ठीक है. नाउ दिस इज डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस हैं. इसमें कैसा है ध्यान देना, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया जाता है यहाँ पर ताकि ट्रिक ताकि वो कंबाइन होके ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए. समझा गया? कॉस इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया. यहां तक समझा? हाँ सर. यस सर. थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? जीरो से पाई. जीरो से पाई. ठीक है. अभी क्या मतलब हुआ इसका बेसिक से? एक्स इक्वल टू आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया है. क्या बन गया बोलो? फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा. क्या होगा बोलो? कॉस इनवर्स यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब बोलो इसको ब्रेक करने ब्रेक कर पाओगे आराम से? हाँ सर. ना कैसे? हाँ सर. क्या कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा की वैल्यू थ्री थीटा होगी हमेशा? नहीं सर. नो सर. क्यों सर? सर प्रिंसिपल नहीं सर. यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर. प्लीज ट्राई टू बी वेरी सीरियस. बिल्कुल सिंपल चीज है, टफ बिल्कुल नहीं है. ठीक है. अब ध्यान देना ये किन तीन लाइन से बनेगा? जीरो से पाई वाला. जीरो से पाई पाई से टू पाई टू पाई से टू पाई से टू पाई से टू पाई. चमक रहा है ये? हाँ सर. भाई मुझे नहीं पता चमक रहा है. हाँ सर. तो थीटा जब जीरो से पाई है, थीटा जब जीरो से पाई है तो बताओ बेटा क्या बनेगा ये? थ्री थीटा. यस यस सर. जब थीटा पाई से टू पाई है बोलो क्या बनेगा? माइनस एक्स. सर वो थ्री थीटा होगा ना? हाँ. अगर थ्री थीटा पाई से टू पाई में होगा तो क्या होगा बताओ? माइनस टू पाई माइनस थ्री थीटा. बोलो क्या होगा? माइनस टू पाई टू पाई माइनस माइनस टू पाई प्लस थ्री थीटा. बाय सर. टू पाई माइनस थ्री थीटा. पाई माइनस थ्री थीटा. हाँ फिर बताओ क्या होगा? थ्री थीटा टू पाई से थ्री पाई. थ्री थीटा माइनस थीटा माइनस टू थीटा माइनस टू पाई. समझ में आ रहा है? पिछली क्लास में भी
एक मैंने सेम चीज की थी भाई, आंसर थीटा में थोड़ा ना छोड़ोगे, छोड़ दोगे क्या आंसर थीटा में? नहीं सर। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ है? जीरो से पाई बाय थ्री। थीटा कहाँ से कहाँ है? पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री। थीटा कहाँ से कहाँ है? टू पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री से पाई। अब मुझे लास्ट क्लास से कुछ रेमिनिशन मतलब भी मतलब थोड़ा सा मतलब डेजा वो टाइप से हो रहा है कि इस चेक पर मैंने कुछ किया था x के लिए दोनों साइड cos कर दो। हाँ एंड वी नो cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। cos इज डिक्रीजिंग सो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो क्या आ जाएगा बताओ? x मैं cos लेके दिखाऊं क्या? दिख रहा है? दिख रहा है। एक यहाँ ऊपर दिखाते हैं, cos थीटा करोगे आप तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बोलिए? cos जीरो बन जाएगा ना बेटा? Yes, क्या आ जाएगा बोलिए? ये x है वन से हाफ चमका half. हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? x फ्रॉम वन बाय टू से वन, समझा? यहाँ बताओ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? माइनस हाफ से माइनस वन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स व्हाट एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे वापस से। आप देखो अंदर की चीज को ऑब्जर्व करके आपने पुट वुट किया है, आपने अंदर की चीज को ऑब्जर्व करके पुट वुट किया है, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ये क्लियर है क्या अच्छे से थोड़ा सा? सर ये एक्स इक्वल टू कॉस थीटा क्यों पुट करना है ये मुझे सपना नहीं आया था, थोड़ा तो हिंट इसने दिया था। और सबसे बड़ा हिंट किसने दिया था? और x क्यूब माइनस। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये सब क्वेश्चंस, ये सब वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको एक्सपोज कर रहा हूं बस, ये बात चमक रही है? हाँ सर। तो जो भी हम लोग मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े थे वो सारों में रिलेशन निकाला आ सकता है, नहीं रिवर्स में? नहीं समझा? चलो एक कॉपी करो, एक और करते हैं आपके लिए। सर अगर वो फर्स्ट टाइम में अंदर वाली चीज फॉर्मूला वाले बेस में नहीं होती बुक पे कैसे? फॉर्मूला वाला ही बेस आएगा तुमको हमेशा। कुछ जादू कुछ बेटा देख, ऐसा नहीं होगा ना, कोई चीज अपने आप बन जाएगी। अगर दो एंगल्स में रिलेशन तू निकाल रही है तो ऑब्वियसली वो एंगल्स आपस में रिलेटेड होने पड़ेंगे ना समहाउ। ऐसे आर्बिट्रली लिख के बेटा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? एक और करता हूं मैं और फिर मैं शीट देखता हूं आपके पास कौन सी शीट है। अगर मेरे जैसे ही सीट वाली होगी तो फिर हम आपको सीट का एसपीपी आज होमवर्क देंगे, क्योंकि अभी इस वीक में डिस्कशन ही करना है। एवरी क्लास विल डिस्कस 45 मिनट्स एंड 15 मिनट आई विल सॉल्व वन टू क्वेश्चन थ्योरी वाला। कर लिए कॉपी? कर रहे करो करो
कॉपी कर लिया क्या? एक मिनट। तो ऐसा ही रिलेशनशिप कैसे किसमें निकलेगा बताओ जरा। साइन इनवर्स 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स टैन इनवर्स से बताओ। बोलो बोलो टैन थ्री थीटा क्या होता है? फील नहीं आ रही है इन दोनों में रेशो निकालना। कॉपी कर लिए? Yes, मैं आगे बढ़ू एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं बस आगे बढ़ जा रहा मैं ठीक है। हाँ, yes. एक और करते साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square को टेन इनवर्स में कुछ फील आती है? yes. Yes, क्या फील आ रही है? क्या क्या करना चाहिए हमको? x में tan थीटा डाला तो sin कभी ना डालना ये कभी ना हमेशा क्या डालोगे? हमेशा इनवर्स डालोगे क्या डालोगे बोलो? tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा ऑलवेज इससे क्या फायदा होता है? थीटा गेट्स फिक्स्ड माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू प्लीज बी वेरी ध्यान से। अब यहां बताओ क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan। अरे भाई ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बना सर। क्या बना? प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस किधर चल रहा है? यस सर। अभी 2 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? माइनस पाई से ध्यान दें दोनों ओपन है। ये ओपननेस क्यों पैदा हुई है? टैन इनवर्स एक्स के रेंज की वजह से। ठीक है चलो भाई तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 थीटा का बिहेवियर तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे? ग्राफ। किसका ग्राफ? साइन। अब तुम लोग बोलते ही नहीं हो बे चुप हो जाते हो बोल रहे हाँ भाई तो बताओ भाई ये जीरो है ये पाई है माइनस पाई। तो हम लोग का इंटरवल कौन सा बन रहा है? फंसाएंगे ना अपन चलो फंसाते हैं। पहले 2 थीटा को अपन 2 थीटा को अपन लेते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कहाँ पे हैं हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा बोलो? 2 थीटा। अब बताओ मुझे जीरो से पाई में सर इक्वल टू भी आ सकता है
हाँ यहाँ पर तो सॉरी सॉरी यस 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 माय मिस्टेक, यहाँ तो इक्वल टू है ही है भाई, माय मिस्टेक सॉरी। यहाँ बताओ पाई बाय टू से पाई में बोलो क्या होगा, वो लाइन का इक्वेशन कितना है पाई माइनस टू थीटा, और ऊपर में टू थीटा लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है माइनस पाई से, क्या आएगा बोल, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी भाई इतना क्लियर है क्या? यस सर। अब मुझे बताओ अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? थीटा को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, माइनस पाई बाई टू से थीटा सर, वो माइनस थीटा माइनस पाई होगा। मैं नहीं मालूम जो बोला, जो जिसने बोला वो मैंने लिख दिया, तो तुमको आता है मुझे थोड़ा ना आता है। ठीक है अभी क्या होगा बोलो, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर क्या होगा बोलो, टू टेन इनवर्स है, टू टेन इनवर्स है। अब बताओ क्या होगा पाई बाई फोर से पाई बाई, क्या होगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू। अब भाई ये स्टेप हेल्प करेगा ना हमारी, yes, क्या करने में, x लाने में, कैसे लाएगा tan का ग्राफ मालूम है तुमको, SMI है ना, तो सब इनइक्वालिटी सेम सेम खेल जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, बोलो भाई बोलो भाई, अरे समझे क्या? हाँ सर। और ये क्या है बाय द वे, इसको हटा दें अपन ने, अब तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स 2x बाय 1 है ना, फील आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? यस सर। पता नहीं यार समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें बताओ क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे बताओ, तो बताओ मेक द क्वेश्चन। तुमने वो पेपर देखा था IIT गोवा में पेपर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, इसमें पेपर में ये था कि मेक योर पेपर, लास्ट छह मंथ में जो भी पढ़ा है तुम लोगों ने उसके बेसिस पे क्वेश्चन क्रिएट, खुद से क्वेश्चन बनाओ एंड द क्वेश्चन शुड कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व इट। ठीक है तो मतलब क्वेश्चन बनाओ क्या क्या बनेगा बोलो, और क्या क्वेश्चन बनेगा बोलो, लगा लो अपना मल्टीपल एंगल वाला सारा, बोलो क्या क्या था मल्टीपल एंगल का, इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर कॉट टैन, मेक क्वेश्चंस और बोलो क्या बनेगा क्वेश्चन, टैन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस स्क्वायर कॉट टैन इनवर्स x इनवर्स, ये वाला इनवर्स बने, और क्या क्या बनेगा बताओ, और कुछ नहीं बनेगा, cos 2 थीटा वाला फार्मूला से cos 2 थीटा sin 2 थीटा वाले फार्मूला से कुछ बनेगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर, cos इनवर्स 2x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 कहां जाएगा, cos इनवर्स में है ना, cos इनवर्स में 1 cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, आई होप साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, किसी में जा सकते उसमें क्या ही है देख लेंगे ना अपन, साइन में जाएगा मोस्टली, चमक रहा है ऐसे कोई एंड नहीं है इसका। अच्छा वो बताओ उसका वाला 2 साइन इनवर्स x को, नहीं नहीं ऐसे लिखेंगे उसको, साइन 2 थीटा वाले से क्या क्वेश्चन फॉर्मूला बन जाएगा बताओ,
साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा से फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो। साइन इनवर्स 2x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बनना चाहिए ना कुछ यहां से भी। हेलो यस सर। अरे यार साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस टू थीटा होता है ना भाई, नहीं होता है तो वो भी तो कन्वर्ट होगा ना साइन इनवर्स में। बोले नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। कुछ में भी कर सकते हो तो हम लोग साइन साइन में खेल रहे हैं बस फिलहाल जो लिखा है उतना। तो आपको मैंने पांच क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 3, 2, 5 और 2, 7 पिछले वाले पेज पे। ये 7 क्वेश्चन होमवर्क है आपके कल के लिए। होमवर्क क्लियर है क्या? Yes. पिछले वाले पेज पे जो आपने ग्राफ बना लिया। नहीं बेटा ये वाला क्वेश्चन ग्राफ कहाँ बनाया है सर? आपने बाकी 3 वाले के लिए भी तो ग्राफ बनाने बोला ना कल, मतलब होमवर्क सेकंड वर्ष थीटा वाले। हाँ वो तो बना लो, वो तो बना लो, उसके क्या ही करना है। पहले ये कल करके और अच्छे से ब्रेक करके ठीक है। तो कल अपन थ्योरी खत्म करें, थ्योरी बच गई मतलब मैं सोचा था खत्म कर दूंगा पर ठीक है ज्यादा हो चुका है आज वैसे भी। चलो एक काम करते ना, ये 7 क्वेश्चन हो गए ना, मैं आपको 8-9 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ करने को ठीक है फोटो खींच के। तो जो कल थ्योरी का पार्ट रहेगा वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है सर। चलो कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिए? सर जो आपने बोला ना वो आए वाले पेपर में बोला था कुछ से क्वेश्चन बना करना, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने चाहिए मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा है सब इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा पेपर था जिसको चिटिंग करनी है कर लो चिटिंग। क्लियर है क्या? यस यस सर। भाई कॉपी कर ली आप लोग? नहीं किया अभी तक कर लिया सर।